हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। किसी को बताने से मेरे अश्क रुक ना पाएंगे, मिट जाएगी जिंदगी मगर गम धुल ना पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम डेली राशिफल की बात करेंगे। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में चुनौतियों से बचने का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए या तो उनका सामना करना सीख लो या फिर हार मान लो। मुझे यकीन है कि आप हार कभी नहीं मानोगे, अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर जीत हासिल कर ही लोगे। जब कोई मुश्किल आपसे टकराए तो उसे बता दो कि आपको जीतना उससे भी मुश्किल है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है, पागल। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इसी तरह आप ही डटकर अपने लक्ष्य पर बने रहिए। यकीन मानिए, आपको कोई हिला नहीं पाएगा और जीत आपकी ही होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए भाग्यशाली रंग रहने वाला है सिल्वर और शुभ अंक रहने वाला है 8। आज का दिन जो है आपके लिए खुद के करियर की राह तय करने का है। वर्तमान काम से आपका मन ऊब सकता है, संभव है आप किसी नए करियर के बारे में विचार कर रहे हो। आप अपने किसी शौक को निखार कर उसे करियर में ढालने की कोशिश भी कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। जब तक इसे दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोष की भावना भी बनी रहेगी। आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ध्यान, आध्यात्मिकता या रोमांस के माध्यम से खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी नकदी आय और खर्चे पर नजर रखेंगे और फायदे के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आपके पास अच्छा मौका है अपने काम के परिणाम को दो गुना या तीन गुना करने का। अभी आपको खुद के लिए समय की बेहद जरूरत है। अगर आप कहीं अटका या दबाया हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि वो अस्थायी स्थिति है। सपने में बताए गए अर्थ पर विचार करें, मार्गदर्शन और शांति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लीजिएगा। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो अभी आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों का आंकलन कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ अधिक समय और जगह चाहते हैं। इस समय ऐसे फैसले लेने से बचें जो आपके रिश्ते को खतरे में डालें। सिंगल्स के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपका पार्टनर आपको मिल ही जाएगा। वहीं आज व्यवसाय की बात करें तो खास तौर से बिजनेस से जुड़े जातकों को इस समय कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी नई डील्स के लिए दस्तखत करने से पहले सारे पेपर्स सही से जांच कर ले। आपको जो है नई डील्स फाइनल होने से पहले ये सब करना है। वहीं आज स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, आज ज्यादा कुछ खास नहीं रहेगा। वहीं आज स्वास्थ्य की बात करें तो आप खुद को किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त पाएंगे। ऐसे में आपको फौरन किसी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। बस टेंशन कम लीजिएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। वहीं आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही में देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे जो है आप अनहोनी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।